इस सब के पीछे अनुभव है। अनुभव वो इंसान है जिसने ये सारे खेल खेले हैं। असली गद्दार देशद्रोही अनुभव ने हमें जान से मारने की कोशिश की। क्या वो हार्ड डिस्क आपके पास है? लेकिन आप इस बारे में कैसे जानते हैं? वो सब हम आपको बाद में बताएंगे हसीना जी, सबसे पहले आवश्यकता है आपकी सुरक्षा की, इसलिए आप कृपया करके तुरंत वहां से निकलिए और किसी सुरक्षित जगह चले जाइए जिसके बारे में किसी को भी पता ना हो। कुछ पूछ रहे हैं तुमसे मीरा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे नहीं पता, मेरा सिस्टम ओवरराइड हो रहा है। समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग हैज चेंज्ड। नहीं जानती है कि इस पल का इंतजार हम कब से कर रहे हैं। नहीं छोड़ेंगे हम आपको। कंट्रोल योरसेल्फ, ये वक्त जज्बातों में बहने का नहीं है। अब चाहे जो हो जाए, पेन ड्राइव अनुभव के हाथों नहीं पहुंचनी चाहिए। कहीं हसीना ने हमारे पीछे शीशे में हमारा ये घाव देख तो नहीं लिया? देख लिया होगा तो कितनी देर लगी होगी उसे समझने में कि उस पर हम ही ने गोली चलाई थी और ये घाव उसी की चलाई गोली का है और इसी के इलाज के लिए हम इतने दिनों से अंडरग्राउंड थे। अगर ऐसा हुआ है तो ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है। इससे पहले कि बनी बनाई बाजी हमारे हाथ से निकल जाए, हमें किसी भी तरह हसीना से वो पेन ड्राइव हासिल करनी ही होगी। राहुल अभी बस हा? अरे एक मिनट, ओए बच्चा है कि बारूद है? हाँ ऐसे ही रंग फेंक रहा, आराम से खेलो ना, जिस साइड में जाकर खेलो। खेलने दो ना सर, क्या आप भी लड़की के सामने हीरो बनते हो? अरे बाप रे, ए? वर्दी से उदंडता हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। रंग दे दर। चल कितना उदंड बालक है तुम, नहीं मतलब इतना ज्यादा बदतमीज। रंग लगा हुआ इधर आप कहाँ? गाल पे। ऊपर थोड़ा सा क्या? नहीं, वही लगा ही हुआ है संतु जी। तू कर देना साफ। हाँ? कर। पक्का? हाँ, कर। अरे यहाँ संतु जी साफ। नहीं अभी कहाँ, अभी तो क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं, कर कह रहे हैं, रंग साफ कर रहे हैं। दीदी ये आपको बेवकूफ बना रहे, ये रंग छुड़ा नहीं, ये रंग लगा रहे हैं। नहीं, अरे कुछ भी बोलती हो बाबू, यहाँ इनके गाल पे इतना ज्यादा रंग लगा हुआ था, ये कैसे कुछ भी तुम बोल रहे? रंग इन्होंने तो दीदी की मांग भर दी। ये तो शादी हो गई। कांग्रेचुलेशन हैप्पी होली। संतु जी जीते, ये क्या किया? संतु जी हम मांग भर दी मेरी। संतु जी हम साफ कर रहे थे, रंग साफ। संतु जी, अरे संतु जी इससे पहले कि अनुभव करिश्मा सिंह से पेन ड्राइव ले ले, हमें उस पेन ड्राइव को हासिल करना होगा। संतु जी तब से हम आपके पीछे भाग रहे हैं। संतु जी चीते चुप हो जा, तेरी गलती है और तूने जानबूझ के मेरी मांग भरी। ना संतु जी ना,
हम जान दे देंगे लेकिन बूझकर ऐसा काम नहीं करेंगे। सन तुझे क्या बोल रही हो? बच्चे सबका बात मान रही हैं। तो तुझे क्या लगता है वो बच्चे झूठ बोल रहे हैं? बच्चे भगवान का रूप होते, वो कभी झूठ बोल ही नहीं सकते। हैवान के खानदान का था वो बच्चा संतु जी, उसका शक्ल देखिए आप, जानवर से कम नहीं था। उसका बात मान रही है संतु जी। चलिए कोई बात नहीं, आपको माफ नहीं करना था, ठीक है। ऑटो रिक्शा से उतार दी, 2 किलोमीटर दौड़ते आ रहे हैं, राजधानी एक्सप्रेस बने हुए, पैर दर्द करके फट रहे हैं संतु जी, अब तो माफ कर दीजिए। तू ना उसी के लायक। संतु जी, संतु जी, आ गए क्या दोनों की दोनों? क्या चल रहा है ये सब? हाँ, ये क्या, तुम्हारी मांग किसने भर दी? नहीं, वो हमसे गलती हो गया है। मतलब तुम दोनों ने शादी कर दी और हमें नहीं बताया, अपनी पुष्पी को नहीं बताया तूने संतू? पुष्पा जी, शादी वादी नहीं हुई है पुष्पा जी, इसने जानबूझ के मेरी मांग भरी है। वही तो संतू जी, वही तो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जानबूझ कर नहीं संतू जी, गलती से भर दिया, ऐसा कोई मनसा नहीं था हमारा। मतलब ऐसा मनसा है लेकिन ये वाला जानबूझ, ये वाला जान, ऐसे नहीं संतू जी। चलो ना काम पे लगो। हां मैम, सर होली है पुष्पा जी। सर 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 सर, हैप्पी होली सर। हैप्पी होली, हैप्पी होली। जय सर, जय सर, जय। सर आप आ गए। लीजिए, हम सही समय पर आ गए। बिल्कुल सही समय पे, आपकी अमानत हमें आपको लौटानी है। आइए। क्या हुआ? पेन ड्राइव का ऐप है। क्या बात कर रही हैं आप? जरूर उस उर्मिला का किया धरा है, सुबह से हमको तंग करे, उसने ही लिया होगा। करिश्मा सिंह, इतनी महत्वपूर्ण चीज इतनी लापरवाही से कैसे रख सकती हैं आप? नहीं भैया, वो हमने सब किया, किराए पे पानी फिर गया। हाँ, हमसे गलती हो गया भैया, हमें माफ कर दीजिए, पर आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? हुआ क्या? मरेगी। हमने क्या किया है? आप नहीं, वो मिला की बच्ची। अरे शांत शांत शांत, वहां जाके खेलिए ना मैम। सर सर हैप्पी होली सर 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 सर। हेलो बच्ची सर। सर अब बिल्कुल सही थे, अनुभवी असली गता है। पेन ड्राइव हमारे पास है, हम आपको सौंपना चाहते हैं सर, कहाँ मिल सकता है? मैं अपने ऑफिस में हूँ, आप यहाँ आ सकती हैं। और हाँ, जितनी जल्दी हो सके आइए, 1 घंटे में मेरी फ्लाइट है, मैं इंडिया के बाहर जा रहा हूँ। ठीक है सर, हम बस यूँ आए। भैया प्लीज जल्दी, थोड़ा जल्दी चलाइए। होली है, बुरा ना मानो, होली तुमको। वर्दी गीली की है तूने? संतु जी जानबूझ कर नहीं की संतु जी, गलती से हो गया, जानबूझ कर नहीं किया। जानबूझ कर आपकी वर्दी गीली की है, खुली का रंग लगाने के बहाने आपकी मांग भरी है संतु जी, जानबूझ कर। आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? नहीं। थैंक यू। इन दोनों पर तो है। ए यार बोलो ना कुछ। हाँ, क्या पूरा बोलो ना। चीता भाई बोल रहे थे कि होली में रंग लगाने के बहाने हमने संतोष जी की मांग भर दी है, फटाक पूरी की जोगीदार सर।
और तो और ये भी बोल रहा था कि इसी बहाने शादी भी हो जाएगी। नहीं, नहीं, देखो इसने किस्त किस्त में बताया है, इसका प्लान था किस्त किस्त में आपसे शादी करने का। सफेद सफेद झूठ बोल रहा है लोग, कोरा झूठ बोल रहा है। संतोष हमारा बात सुनिए, कार्य कितना पिया है, होश में आ जाओ बाबू, तुमको बर्बाद नहीं कर दिए ना। हमारा नाम चीता चुतू संतोष, तुम बर्बाद हो गए। हेलो, अरे हसीना जी कहाँ हैं आप? हम तो थाने गए थे पेन ड्राइव लेने के लिए, पता चला आप खुद पेन ड्राइव लेकर कहीं चली गई। हमारे बीच तय हुआ था ना कि हम दोनों साथ में बख्शी सर के पास जाएंगे और वो पेन ड्राइव उन्हें सौंप देंगे, तो फिर आपने वो प्लान क्यों चेंज कर दिया? खैर कोई बात नहीं, बख्शी सर के पास कब जाना है बता दीजिए, हम साथ में चलते हैं। अब उसकी कोई जरूरत नहीं, हम खुद उन्हें पेन ड्राइव देने जा रहे हैं। क्यों, क्या बात है हसीना जी, हम पर भरोसा नहीं है? भरोसा? तुम भरोसे की बात कर रहे हो अनुभव सिंह? तुमसे बड़ा गद्दार, घटिया और कमीना इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। शुरुआत से लेकर अभी तक तुमने सिर्फ और सिर्फ हमें धोखा दिया है। हम ही बेवकूफ थे जो तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए और तुम्हारी इस गद्दारी को प्यार समझते बैठे। तुमसे इतना प्यार किया, इतना दिल लगाया, नफरत होने लगी हमें खुद से इस बात पे। लेकिन अब नहीं, अब सब खत्म। तुमने हमारे साथ जो किया वो किया अनुभव सिंह, लेकिन तुमने देश के साथ गद्दारी करके बहुत बड़ी गलती की है और इसकी सजा हम खुद देंगे तुम्हें। अब ये पेन ड्राइव उसी के पास जाएगी जिसके पास जानी चाहिए। पेन ड्राइव तो हम लेकर ही रहेंगे हसीना मलिक, पिछली बार तुम्हें जिंदा छोड़ दिया था, लेकिन दोबारा वो गलती नहीं करेंगे। हार्ड डिस्क को हासिल करना है, हसीना मलिक को जान से मारना है। खुद अपने हाथों से हम तुम्हें मारेंगे और तब तक मारते रहेंगे जब तक तुम्हारे जिस्म से तुम्हारी जान निकलते हुए नहीं देख लेते। वो पेन ड्राइव हम तुम्हारी लाश से लेंगे हसीना मलिक। वाह क्या बात है, अपनी गैरत को भुलाकर जिया तो क्या जिया। है जोर तुझमें तो जो कहा है वो करके दिखा। लिखेंगे अपने खून से अपने फर्ज की कहानी, है दम तुझमें तो इस जज्बे को रोक के दिखा। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता हसीना मलिक, आज तुम मरोगी और जरूर मरोगी। हेलो उर्मिला, देखो हमारा दिमाग बहुत तपा हुआ है अभी, हमारा दिमाग बहुत तपा हुआ है अभी, हमारा खोपड़ा भी खराब मत करना। जो भी तुमसे पूछेंगे उसका हमें हाँ या ना में जवाब चाहिए, समझ लो हमारी बात को। पेन ड्राइव तुम्हारे पास है? हाँ। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ पेन ड्राइव लेने का? हाँ तुम्हें सोचा नहीं तुम्हारा क्या हाल करेंगे हम उसके बाद? बहुत कुछ बताना है आपको करिश्मा सिंह। हमको कुछ नहीं सुनना है, कुछ नहीं सुनेंगे हम, हमें पेन ड्राइव हमारे हाथ में चाहिए 2 मिनट के अंदर, समझिए हमारी बात को। पेन ड्राइव ला के दो अभी के अभी। हम चाह कर भी वापस नहीं आ सकते। पगला गई हो तो? तुमको क्या लगता है तुम हमारे पास नहीं आ सकती तो हम तुम्हारे पास नहीं पहुंच सकते हैं? 2 मिनट के अंदर तुम्हारे पास पहुंचेंगे और तुम जहाँ हो ना वहाँ तुम्हें जिंदा गाड़ देंगे, समझी तुम? आपको जो सही लगता है आप कीजिए, हमें जो सही लगता है हम करेंगे। जय हिंद। ये सबसे बड़ा गलती की है हमने इसको यहाँ लाके। आप संतू को बोलो इसका लोकेशन ट्रेस करे और हमें अपडेट करे जल्दी की जल्दी। हाँ वो कर देंगे, मगर आप थोड़ा थोड़ा शांति से जान से मार कराएंगे। नहीं नहीं आप ऐसा वैसा कुछ मत करना। मैडम हमारी होली, हैप्पी होली मैडम, एक और मारो मैडम कुल मिलाकर 5,05,532 बार आपको सॉरी बोल चुके हैं। संतू जी हमारा त्योहार क्यों खराब कर रही है, होली का टाइम है संतू जी, मान जाइए ना। हाँ करिश्मा मैडम, सीधा जाते रहिए और फर्स्ट राइट लेना। संतू जी हमको माफ कर दीजिए। बाप रे बाप, क्या हुआ, हमें भी डरा दिया तुमने। हमारे साथ चलो, हम कहीं नहीं जाएंगे पुष्पा जी, हम यही बैठेंगे, हम संतू जी को मना रहे हैं। सॉरी संतू जी, करिश्मा जी का ऑर्डर है। ठीक है कोई बात नहीं, नहीं जाना हमको, अभी भी नहीं जाना। करिश्मा मैडम बोल दें, चाहे करिश्मा मैडम 10 बार बोले 20 बार बोले, हमको पर्सनली मैसेज कर दे तो भी हमको नहीं जाना है। क्या बोले चीता? कुछ नहीं मैडम, हम आ रहे हैं। मैडम गलती से निकला हमारे मुंह से,
हमको पुष्पा जी से बरगला रही थी। अरे पुष्पा जी आपका दुश्मन ही है ना करिश्मा मैडम मैडम से? हमसे तो मैडम मैडम को बहुत प्यार करती है। हमारे मैडम कुछ नहीं किया, वो सारा ठीक है। चल चल हमारे साथ चल। संतोष जी अरे चलो। अरे ये ट्रैफिक भैया, कोई और रास्ता है क्या? नहीं मैडम, ये एक रास्ता है। खुला, चलो 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 चलो। अम्मी? हाँ अम्मी बोलिए। हसीना कब आ रही हो? अम्मी अभी नहीं आ सकते, हम ड्यूटी पर हैं। आप ठीक है ना? अरे हमें क्या हुआ है? हाँ फिट एंड फाइन है हम एकदम। अनुभव कह रहे थे कि कुछ अच्छा सा बना दिखाने के लिए, तो सोचा तुमसे पूछ लूं कि क्या खाना चाहती हो तो बना देंगे। अनुभव घर पर है? और क्या, मेरे सामने ही तो है, इंतजार कर रहे हैं तेरा। हसीना जी अस्सलाम वालेकुम। आप ही ने तो कहा था ना हम तीनों साथ में खाना खाएंगे, आप हम और आपकी अम्मी। हम तैयारी शुरू कर देते हैं। अनुभव अगर हमारी अम्मी को कुछ भी हुआ ना तो हम देखो, तो हसीना जी क्या करें, जंग और जिंदगी में ना हमेशा बेकसूरी मरते हैं, युद्ध हमेशा बलिदान मांगता है, यही दस्तूर है मैदानी जंग का। हमने कहा था ना आपसे कि पेन ड्राइव हासिल करने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, और ये तो कुछ भी नहीं है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती हमारी हद का। अनुभव तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे वरना हम। हसीना जी अगर आप आपकी अम्मी को जिंदा देखना चाहती है ना तो हम जैसा कहते हैं वैसा ही कीजिए। एक एड्रेस भेज रहे हैं आपको, पेन ड्राइव लेकर वहां पहुंच जाइए, पेन ड्राइव हमें दे दीजिए और अम्मी को लेकर चले जाइए। सिंपल सा सौदा है। आशा करते हैं कि आप कोई होशियारी दिखाकर इसे बिगाड़ ना दें। So, निर्णय आपके हाथ में, क्या चाहिए आपको, मां या भारत मां? अनुभव लीजिए चाय। हसीना जी हम आपको बाद में फोन करते हैं, अम्मी ने अभी चाय बनाई है, उनकी हाथों की चाय ये लीजिए, हम रखते हैं। भैया सुनिए सुनिए सुनिए, एक काम करिए, साइड में रोकिए प्लीज, साइड में रोकिए। देखिए हमें ऐसे जो हसीना मालिक, आप प्लीज फिलहाल ये रिक्शा हमें दे दीजिए, हम चलाएंगे, जब भी मौका मिलेगा हम आपको रिक्शा लौटा देंगे, ठीक है? इसके बदले में आप जितने मांगेंगे हम पैसे आपको देंगे, फिलहाल फिलहाल ये इतने ही पैसे हमारे पास, प्लीज ये रख लीजिए, हमें रिक्शा चला दीजिए, हम बहुत जल्दी में, प्लीज उतरिए उतरिए। थैंक यू। ये लीजिए। अरे अरे इसके लिए समय नहीं है, अम्मी चलिए। कहाँ? थाने, हसीना जी ने बुलाया। किस लिए? क्या अम्मी आप भूल जाती हैं, आज होली है, थाने का पूरा परिवार होली मना रहा है और आप इस परिवार की सबसे बड़ी हैं। चलिए चलिए चलिए। लेकिन हम थोड़ा दुपट्टा वगैरह तो ठीक कर ले, बाहर जाना है। शीघ्र अति शीघ्र एकदम अभी आए। सीधा जाते रहिए। बस थोड़ी देर और आऊंगी, हम बस पहुंच ही रहे हैं। नहीं नहीं एक मिनट मैडम, उर्मिला मैडम ने अपना डायरेक्शन जो है वो बदल लिया और मैडम से की घर की तरफ जा रही है। हाँ ठीक है समझ गए जी। चलिए निकलते हैं। बेटा आज ना रहने देते हैं, हमारी तबीयत कुछ नासासी लग रही है, वैसे भी इस उम्र में हम क्या होली खेलेंगे, तुम जाओ। हाँ क्या बात कर रही है अम्मी, थोड़ी देर पहले आप इतनी उत्सुक थी जाने के लिए और अभी आप मना कर रही हैं। हसीना जी का मैसेज आया था। वो क्यों मैसेज करेगी,
उसका कोई मैसेज नहीं आया, बस हमारा ही मूड नहीं हो रहा है जाने का, तो तुम जा। ठीक है अम्मी, अब क्या करें। वो क्या है ना अम्मी, जाना तो पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है हमारे पास। लेकिन हाँ, अगर आप शराफत से चलती हैं तो बहुत बढ़िया, वरना आप तो समझदार हैं। अगर इस स्पीड में चले तो कैसे पहुंचेंगे अम्मी के पास? काश ऐसे वक्त में करिश्मा सिंह यहाँ होती हमारी मदद के लिए। हम भी क्या सोच रहे हैं, वो यहाँ कैसे हो सकते हैं? ये बाइक को भी अभी खराब होना था,